बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे मित्रों, सैयदुल बरा दी अगली लड़ी सीरत पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हों कादी अब्दुल दायम दायम और हरी को शरीफ सोदिया अगली लड़ी लैके थोड़ी खिदमत हाजिर हाँ। इस सिलसिले पिछली वीडियो असा इतने गल मुकाई सी भी तबूक जी सी अन्न की थोड़ जी मुकावन लई नबी पाक और दुआ ने किवें काम विखाया। रही तबूक जाने की गल तो वह मकसद रूमियां नाल जहाद करन दा सी, क्यों जे नबी पाक होरां नूं ये सूह लगी सी कि उन्हां इस्लामी राजगद्दी ते हल्ला बोलन लई एक तगड़ा लश्कर जिहड़ा रूमियां ने तैयार किया हुआ। पर जदों नबी पाक लश्कर नूं लै के वधदे होए आपू ही हदा उन्हां दीआं हदां ते जा अपड़े तो उन्होंने वेखद सार रूमी जरक गए तो उन्होंने सलामी लश्कर के सामने आने की हिम्मत ना हो। नबी पाक तबूक में 15-20 दिहाड़े बैठे रहे तो उन्हीं दिन ही उन्होंने आले दुआले के वक् वक् कबीलों के सरदारों मेल मुलाकातें कीतियां तो उन्होंने रसाई के मुआदे किए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहब्बती विहार वरतारे तो खुल दिली जी है उन्हां लोकां ने बड़ा चंगा जाता ते उन्हां आप सरकार की सेवा में ढोवे हाजिर किए तोहफे दिते। आप इस गदबे में भावें लड़ाई तो नहीं सी हुई पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां दे संगियां साथियां की बहादरी का रोब उन्हां दे काफरां दे दिलां ते पै गया ते हर पासे उन्हां दी बल्ले बल्ले मुसलमानां दी हो गई ते परत के उन्हां दी जिंदगी विच किसे नूं उन्हां दे सामने आउण दी हिम्मत ना होई। हुण उतों मुड़दे होया खाण पीन का समान भी दे घाट के मसले मसाइल जिहड़े सन ये सामने आउंदे रहे ते नबी पाक उहनां दा ध्यान पैण पारों सोधे जांदे रहे। एक दिन ओड़क नबी पाक जदों आप सरकार मदीना मनवरा दे नेड़े पुज्जे ते एक थावें घड़ी दी घड़ी साह कढ़न लई बहि गए। उत्थे कुछ मुनाफक जिहड़े ने आप सरकार दे हाजिर होए ते रजोई करन लगे भई उन्हें एक मसीत बनाई है जिदे अंदर लोग इबादत भी करया करनगे ते आउंदे जांदे जिहड़े ने पांदे उत्थे सिर लुका भी कर लिया करनगे रात भी रह लैण करनगे तुसीं साडे नाल चलो ते उत्थे नमाज पढ़न दा मुढ बनो। यही वह मसीत है जिन्हों तारीख अंदर मस्जिद ज़र्रार आख्या गया। यह असल में मसीत है ही नहीं सी सगों मुनाफकां ने मुसलमानों नूं नुकसान पहुंचाउण लई गलबात कठिया हो के गलबात करन लई एक थड़ा बनाया होया सी, एक बैठक बनाई हुई सी ते मुसलमानां दी अखीं घटा पाण वास्ते उहदा नां उहनां ने मसीत रख दित्ता सी ते उहदा एक इमाम वी उहनां रख्या होया सी। उहनां मुनाफकां दा ख्याल सी भी जदों नबी पाक सरकार एक वारी उत्थे नमाज पढ़ लैणगे तां उह थां मुसलमानां लई सत्कारयोग बन जाएगी ते इस पारों उहनां नूं पक्के पीढ़े बचा दी एक जमानत मिल जाएगी। पर अल्लाह सोने उन्हां दी इस चलाकी का भांडा भन दिता ते इह आयतां उतार दित्तियां जिहदा तर्जमा इह वे अते कुछ लोकां मसीत बनाईए तां जो मुसलमानां दा नुकसान कर सकन ते कुफर राही मोमना विच फुट पा सकन। अल्लाह अल्लाह गवाही दिंदा है भई उह कूड़े ने ते इस पारों मेरे नबी जी तुसां इस मसीते कदी पैर नहीं पाउणा। हुण नबी पाक होरां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होरां उसे वेले कोई सहाबियां नूं घल्लिया भी जा के उस झूठी मुठी की मसीत नूं ढा के ते अग ला देण। हुण उन्हां जा के पहला उसकी छत नूं अग लाई ते मगरों उहदियां कंधां ढा के उन्हूं मिट्टी का ढेर बना दिता। हुण जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना दीआं हद्दां जा वड़े तां उन्हां नूं दी आयां नूं आखण लई सारा शहर हुमा के आ गया ते एक बारी उह ही नज़ारा बज गया जो नबी पाक दे पहली वारी मदीना पा के जाउण वेले बजिया सी। बीबियां छतां ते बह के उन्हां दे आवण दीआं खुशियां मनाउण लग पईआं ते बालड़ियां दफ वजा के खुशी दे गीत गाउण लग पईआं। मदीना जप्पड़ के नबी पाक उहनां दी रूह राज़ी हो गई ते उह डाढे खुश होए ते नबी पाक फरमान लगे कि इह इक मनठार शहर है ते उहनां उहद दी पहाड़ी वल इशारा करदिआं फरमाया कि पहाड़ साडे नाल प्यार करदा है ते असीं इहनूं प्यार करदे हाँ। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सरकार नूं हसदिआं वेख के अगे वधे ते उन्हां दे चावां नूं दूना चूना चौणा कर दिता ते फरमान लगे कि यार रसूल अल्लाह सरकार मैं तुहाडी शान विच कोई शेर सुनाउंदा जवान हाँ आखो ते सुनावां। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरां
फरमाया कि अल्लाह तुहाडा मूँह सलामत रखे, सुनाओ सुनाओ। उस वेले हजरत अब्बास और नबी पाक वाल ध्यान करते हैं, वह जग जाने कसीदा आख्या जिसे कुछ शेर इतने दिते जाते। इशक मुहब्बत इज्जत आदर में फुलके इस मिठे कलाम अदब ते जबान का कोक सियाणियों ने एक मुठ हो के उच्च कोटी अदबी शाहकार मिथ्या। तुसी भी उहदे रूप रंग का स्वाद माणो, उहदा तर्जमा वेखो कि दुनिया में आवन तो अगू तुसी परछाव्या हेठ उस अमानत वाली थां विचों जिथे पत्तर लवेटे गए सन बड़े मजे माणदे सो। मुड़ तुसी जमीन ते लथे उस वेले ना तुसी बशर सो, ना मजगा ते अलका सो, सगों उदों तुसी अल्लाह दी हुज्जत ते दलील सो। तुसी बेड़ी बैठे जदों नसर ते उहदे पुजारियां नूं तफान ने घेरिया होया सी, तुसी खलीलुल्ला दी अग विच ओले हो के जा वड़े। मुड़े किस तरह हो सकता है प्यो सर कुछ जाते, जदों के तुसी उदों उन्हां दी पुश्त विच सो ते तुसी जदों दुनिया ते आए सो ता जमीन चमकण लग पई सी ते तुहाडे नूर पारों सारा अंबर जिहड़ा जगमग करन लग पिया। ते असी हुण नूर दे चानण अंदर हदायत दे रस्तियां ते टुरे लगे जाने आ। मैनू दसिया जा चुकिया कि पिछे रह जाण वालियां विचों कुछ जी अजिहे भी सन जो अल्लाह ते उहदे रसूल दे सच्चे आशिक तां है सन, पर है निगरे ते बड़े आलके अजिहे सन ते ढिले सन। इस पारों अज दा कम कल ते पाउण वालियां वांगू अपनी आदत तों मजबूर होण करके इस गजबे अंदर रलत ना कर सके, पर इंज दे कुल 13 बंदे सन। इन्हां विचों एक ते हज़रत अबू लबाबा सन जिन्हें अपने आप को नबवी मस्जिद के थम नाल बन लिया बाद ते 9 इन्हां दे संगी साथी सन। इन्हां नवां भी अपने आप को उहो सजा देना चंगा जाता ते अपने आप को मस्जिद में बन लिया सी। अपने नफ्स को अपनी हथी बंदी बाण बनाने भारों अल्लाह नूं उन्हां दा यह काम डाढ़ा चंगा लगा ते उन्हें उन्हां दी तौबा जिहड़ी कबूल कर ली। उन्हां तों छुट 3 बंदे अजिहे भी सन जिन्हां ना ते अपने आप लई कोई सजा चुमी ते ना ही कोई गुजर बहाना कीता, सगों उन्हें सीधा सीधा अपनी भुल नू मन लिया। तो त्रै बंदे सन हज़रत काब, हज़रत बलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते हज़रत मरारा। अल्लाह उन्हें राजी थीवे, अपने जुर्म नू मनण मगरों सजा भोगण ते ओड़क माफ़ी मिल जाण दी जो अमान वधाऊ कहानी हज़रत काब होरां पूरे वेरवे नाल सुनाई वह बड़ी लम्मी गल है, उन्हूं असी छांग चूंग के छोटी करके तुहानू सुनावांगे अगली वीडियो।